हेलो क्लास नाइन स्टूडेंट्स दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर अग्रिमा रावत सो वी हैव बीन डूइंग चैप्टर विफोर नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव सीन टू एबायोटिक फैक्टर्स दैट आर एयर एंड वाटर नाउ इट इज़ टर्न ऑफ द थर्ड एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ सॉइल और वी कैन से लैंड मिट्टी ठीक है मिट्टी कहा है आपकी लैंड पे ही है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगर हम सॉइल uh, की बात करें तो सॉइल क्या है ये अपर लेयर है अर्थ की ठीक है अपर जो अपर लेयर अर्थ की है क्रस्ट उसमें होती है ये और इसमें बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो हमारी अर्थ पे लाइफ बनाने के लिए सस्टेन करने के लिए काम कर रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमंस तक भी पहुंच रहे हैं वो कहाँ से पहुंच रहे हैं इंडायरेक्टली आपके प्लांट्स से ह्यूमंस तक आते हैं ठीक है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये हम तक पहुँचते हैं तो ये प्लांट्स में कहाँ से आ रहे हैं ये सॉइल से ही मिल रहे हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स ठीक है बट ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आए कहाँ से अगर हम बात करें कि ये सॉइल बनी कहाँ से है तो सॉइल जो है ये बड़े बड़े पत्थर जो माउंटेन्स जो रॉक्स वगैरह थे अर्थ पे उन्हीं के धीरे धीरे करके उन्हीं से आपके धीरे धीरे करके ये आपके छोटे टुकड़े बने और फिर इनसे ही आपकी सॉइल जनरेट हुई है ठीक है तो बड़े बड़े पत्थर आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं उनमें किसी वजह से उनका ब्रेकडाउन होता है ठीक है बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके टूटने के तो छोटे छुट छोटे करके वो धीरे धीरे करके टूटते हैं टूट के उनमें से चूरा बनता रहता है उनका और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं धीरे धीरे करके वो आपकी सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी इन्हीं पत्थरों में से ही आ रहे हैं क्योंकि इन पत्थरों में इन चट्टानों में ही आपके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं अब अगर हम देखें कि ये टूट क्यों हैं ऐसा क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े सख्त सख्त पत्थर जो है वो टूट जाते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं केमिकल तरीके हो सकते हैं बायोलॉजिकल या फिज़िकल प्रोसेस हो सकते हैं जिनसे ये जो न्यूट्रिय रिच सॉइल है वो बनती है तो आ, कि किसी बायोलॉजिकल तरीके से मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है कि आपकी मिट ये जो रॉक्स हैं वो टूट जाएँ ठीक है या कोई फ़िज़िकल तरीका हो जैसे कि अभी हम देखेंगे कि मिट्टी जो है आपकी किससे बन रही है एयर्स एयर के प्रेशर की वजह से रॉक्स टूट रही हैं या वाटर के प्रेशर से रॉक टूट रही हैं फिज़िकल प्रोसेस हो गए ठीक है तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये रॉक्स आपकी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है ओके okay. बट एक चीज़ ध्यान रखना ये जो सारा प्रोसेस है रॉक से मिट्टी बनने का ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है बहुत ही लंबा मतलब लिटरली बहुत ही लंबा सालों साल लग जाते हैं ठीक है हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं थोड़ी सी मिट्टी बनने में तो ये मिट्टी बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसका ज़रा सा भी नुकसान अगर हम कर रहे हैं इसे ख़राब ज़रा सा भी हम कर रहे हैं तो हम इस इतने लंबे प्रोसेस को वेस्ट कर रहे हैं जो इतने सालों साल तक ये प्रोसेस हुआ इतनी सी जरा सी मिट्टी बनाने के लिए उसको हमने बेकार कर दिया ओके चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि सॉइल बनने बनती है तो जो फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में को अफ़ेक्ट करते हैं वो सबसे पहला है सन अब सन कैसे आप कहेंगे सन इतनी दूर से मिट्टी कैसे बना रहा है भाई चलिए हमने ये तो पढ़ा था कि सन uh, से आपका खाना बनता है प्लांट जो है खाना बनाते हैं बट ये सन मिट्टी बनने में भी हेल्प कर रहे है। कैसे तो होता क्या है जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपका जब ये जो सूरज निकल रहा है तो सूरज निकलने पे ये जो पत्थर है दिख रहे हैं ये गर्म हो जा रहे हैं लाल हो रहे हैं ना गर्म हो रहे हैं इसका मतलब जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो फूलती है थोड़ा सा ठीक है अब थोड़ा सा हल्का सा फूल जाती है तो फूल रही है तो ये पत्थर भी फूल रहे हैं ठीक है अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं ठीक है थोड़े से और जगह घेर रहे हैं उसकी वजह से जो आसपास के पत्थर है उनसे इनकी दूरी बनती जा रही है देख रहे हो यहाँ पे गैप आता जा रहा है यहाँ पे देख रहे हो ना गैप आता जा रहा है ठीक है ये गैप आने की वजह से ही ये पत्थर टूट रहे हैं ठीक है ये टूट के अलग हो जाएगा फिर इसी में से ये बीच बीच में छोटे छोटे चूरे बनेंगे ठीक है ये जो पत्थर हैं ये सुबह होने पे धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं रात के टाइम पे ठंडे होते हैं ये गर्म ठंडा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पत्थर टूट जाते हैं ठीक है और इसकी वजह से इनमें ये जो क्रैक्स बन गए हैं इन्हीं में से छोटे छोटे आपके पीसेस निकलते हैं जो कि आपकी सॉइल बनाते हैं बात आ रही है यहाँ पढ़ के भी देख लीजिए आप द सन्स रेडिएशन हीट अप द रॉक ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के समय पे सन की जो रेडिएशन है वो गर्म कर देती है रॉक्स को जिसकी वजह से रॉक्स हो जाते हैं एक्सपैंड मतलब फैल जाते हैं रात के टाइम पे यही रॉक्स ठंडी हो जाती हैं और उसकी वजह से वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं मतलब फिर से सिकुड़ जाती हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ द रॉक्स मे नॉट कूल डाउन और हीट अपट द सेम टाइम सारी जो रॉक्स के जो आपके पार्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ गर्म होंगे एक साथ ठंडे होंगे नहीं किसी पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी किसी पे कम पड़ रही होगी तो उस हिसाब से कोई कभी एक्सपेंड कर रहा है कोई कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पता नहीं चल ठीक है अलग अलग हो सकता है जिसकी वजह से इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं ठीक है क्रैक्स पड़ जाते हैं और जो कि अल्टीमेटली छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो छोटे छुट छोटे पीस आपके सॉइल बना देते हैं बात समझ आ रही है तो ये एक आपका सन भी सॉइल बनने में मदद कर रहा है और क्या मदद कर रहा है वाटर वाटर कैसे कर रहा है यहाँ पे देखिए ये पिक्चर से आपको समझ आएगा इस पिक्चर में हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो माउंटेन है इसमें बीच बीच में जगह थी ठीक है ये गैप है यहाँ पे पानी भर गया ठीक है पानी ब्लू कलर का दिखा रहे हैं उसके बाद वो वाइट कलर का हो रहा है वाइट कलर का क्या हो रहा है मतलब जब आपकी जो पानी इसमें आ गया उसके बाद जब एकदम से फ्रीज़ हो गया ठीक है जो टेम्परेचर था बाहर का वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ठंडा होने की वजह से ये जो पानी था ना वो आइस में कन्वर्ट हो गया अब एक चीज़ देखना जो आपका पानी होता है वो कम जगह घेरता है बट आइस जो होती है जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है कभी आप घर में भी बर्फ़ जमाएंगे ना तो आप वह चलेगा जो आपका पानी है वो कम जगह घेरता है और जो वो पानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है मतलब आइस बना लेता है तब वो ज़्यादा जगह घेरता है तो यहाँ पे यही चीज़ हुई इस रॉक्स में के क्रैक्स में पानी भर गया उसके बाद इन क्रैक्स में ये पानी जो भरा था ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया बर्फ़ में कन्वर्ट होने के बाद उसने क्रैक को और बढ़ाया जिसकी वजह से ये जो देखो टूट गया ये क्योंकि बर्फ़ ने ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करी ठीक है जिसकी वजह से इस माउंटेन में क्रैक आ गया और एक क्रैक आने से क्या होगा छोटे छोटे अंश निकलेंगे हमारे सॉइल बन जाएगी उससे बात समझ आ रही है तो इस तरीके से वाटर भी आपका मिट आ, मिट्टी बनाने में मदद करता है तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं हम वाटर गेट्स इन द क्रैक ऑन द रॉक्स एंड फ्रीज डाउन देयर वाटर जो है जो ये रॉक्स हैं इनके जो क्रैक हैं इनमें घुस जाता है ठीक है थोड़ा थोड़ा ही पानी घुसे ज़रा ज़रा सा ही घुसे अब ये तो बहुत बड़े बड़े गैप दिखा रखे हैं आपको हो सकता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्रैक्स आपके हैं उसमें ही पानी घुस गया और वो पानी जो है फ्रीज़ हो जाएगा वहाँ पे जाके क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा ठंडा रहेगा और फ्रीज़ होने की वजह से वो जो आइस में कन्वर्ट हो गया आइस ज़्यादा जगह घिरती है जिसकी वजह से वो क्रैक जो है वाइडन हो जाएंगे वाइडन मतलब चौड़े हो जाएंगे और ज़्यादा क्रैक्स बड़े हो जाएंगे ठीक है इसकी वजह से सॉइल बनेगी इसके अलावा भी जो है आपके वाटर जो है वो सॉइल बना सकता है जैसे कि आपने देखा होगा नदियों के किनारे ठीक है बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं ठीक है अब जैसे कि हमारे आसपास गंगा का पानी है है ना तो आपने आसपास और आपके पास कोई भी आपने नदियाँ देखी हो तो जो रिवर्स का पानी होता है बड़ी स्पीड में आता है ठीक है बहुत स्पीड से आ रहा है जैसे कि हम हरिद्वार में देखें तो एकदम से स्पीड में पानी पहाड़ों से सबसे पहले प्लेन में हरिद्वार में ही आता है तो बड़ी स्पीड से आ रहा है इससे ऊपर जाएंगे तो ऋषिकेश वगैरह में जाते हैं वहाँ पे पानी की स्पीड और तेज़ है तो इतनी स्पीड से पानी आ रहा है आसपास जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा स्पीड से आने वाले पानी की वजह से चट्टानों पर ज़ोर से प्रेशर पड़ता है जिस प्रेशर के पड़ने की वजह से कभी कभी उसमें से छोटे चुट छोटे जो पीसेस हैं रॉक्स में से वो टूटते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके क्या बनाने लगते हैं आपकी मिट्टी बना रहे हैं अगर आप कभी जैसे ये जो नदियाँ होती हैं आपने हरिद्वार के जो घाट हैं वहाँ पे जाओगे आप तो घाटों पे आप देखोगे कि जो सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ जहाँ पे पानी आता है उस उन सीढ़ियों पे मिट्टी जमी रहती है वो मिट्टी कहाँ से आ रही है वो नदियाँ ही लेके आ रही है और नदियाँ ही बना भी रही हैं जो वो रॉक्स तोड़ रही होंगी उनमें से कण आ रहे हैं वही तो लेके आ रहे हैं ठीक है थीके? ये आपकी मिट्टी बना रहा है ठीक है तो बहुत तेज़ी से पानी जब रॉक्स पे पड़ता है तो वो भी रॉक को तोड़ता है धीरे धीरे करके तोड़ने का मतलब एकदम से नहीं ऐसा करके बिल्कुल ही चट्टान बिल्कुल क्रैक पड़ जाएगी नहीं छोटे छोटे उसमें से छोटे छोटे पीसेस निकल जाते हैं ठीक है जब पानी और रॉक एक दूसरे से टकराते हैं ओके okay, इस वजह से भी सॉइल बनती है ठीक है और यहाँ आप पढ़ोगे एक चीज़ दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई द सॉइल इज़ फॉर्म फार अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक अब पेरेंट रॉक का क्या मतलब है मिट्टी जिस पत्थर से बनी है उस पत्थर को पेरेंट रॉक बोलेंगे, है ना उसका उसका एक तरह से जनक हो गया ना वो उसी में से निकला है उसी का अंश है उस रॉक का अंश है तो उस रॉक को क्या कहेंगे पेरेंट रॉक तो सॉइल जो है अपने पेरेंट रॉक से बहुत दूर मिलती है क्यों क्योंकि पानी के थ्रू पानी के साथ साथ वो बह बह के अलग जगह तक पहुंच जाती है ठीक है तो इस ये कारण है कि सॉइल अपने पेरेंट से इत, पेरेंट रॉक से इतना ज़्यादा दूर मिलती है ठीक है ये बात समझ आ गई एक और कारण है विंड हवा तेज़ हवा ठीक है अब जैसे पानी की स्पीड की वजह से प्रेशर की वजह से आपकी जो पत्थर हैं वो टूटते हैं वैसे ही विंड की वजह से भी जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं तो हवाओं से ये रॉक्स दिख रहे हैं आपको रॉक बहुत तेज़ तेज, -तेज हवा पड़ रही है पड़ रही है पड़ रही है एक लंबे एक्सपेंशन ऑफ टाइम के बाद ये धीरे धीरे करके ऐसे काम होगा ये सेकेंडों का काम नहीं है कि ऐसे जैसे करके हवा आ रही है और ये ऐसे करके छोटी हो गई ये तो एक बहुत लंबे प्रोसेस को एक बहुत छोटे टाइम में दिखाया गया है बट बात वही है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स किसी पत्थर वगैरह पे पड़ती है तो वो उसको तोड़ती हैं छोटे छोटे उससे पीसेस निकलते हैं और वो ही आपका सॉइल बना देते हैं ठीक है तो ये विंड से भी सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकती है तो पेरेंट सॉइल पेरेंट रॉक से सॉइल बहुत दूर तक विंड की वजह से ही पहुँचती है ठीक है ये बात भी समझ आ गई होगी आई थिंक ठीक है वाटर वाला ही है एक तरह से आगे चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी भाई पत्थर जो पत्थर से मिट्टी बनाने का काम करवा रहे हैं कैसे तो लिविंग ऑर्गेनिजम में जो हम एक्चुअल में देखेंगे वो हैं ट्रीज या प्लांट्स या लाइकन्स ये सब मदद करते हैं आपके जो रॉक्स हैं उनको तोड़ने में उनसे सॉइल बनाने में कैसे मदद कर रहे हैं अब जैसे इस पिक्चर में देखिए ज़रा क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे कि एक पत्थर है ठीक है उसमें एक पौधा उग रहा है ठीक है अब जब पौधा फैल रहा है तो इस पत्थर में भी क्रैक पड़ रहे हैं दिख रहा है आपको पिक्चर में है ना तो हो क्या रहा है कि जब कोई भी पौधा रॉक के ऊपर उगता है तो उसको अपनी जड़ें तो फैलानी पड़ती है अब वो धीरे धीरे करके उसी रॉ रौ, रॉक में क्रैक बनाए बना बना के अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो फैल रहा है ना वहाँ पे वो पेड़ तो ऑब्वियसली जो रॉक है उसको तोड़ेगा ये सिर्फ बड़े बड़े प्लांट्स नहीं करते मॉस भी करती है जो काई होती है ना आपने देखी होगी काई होती बड़ी जरा सी है बट उसकी भी छोटी छुट छोटी जड़ें होती हैं वो हल्की छोटी चुट छोटी जड़ें ही फैलती हैं तो उससे भी थोड़ा थोड़ा आपका रॉक टूटता है इतना बड़ा नहीं ऐसे क्रैक नहीं दिखने लगेगा बट थोड़ा थोड़ा टूटता है जिसकी वजह से छोटे चुट छोटे भी एक दो चार अंश भी अगर छोटे चुट छोटे -चुट पीसेस भी रॉक से निकल के आ गए तो वो भी सॉइल बनाएंगे है ना ऐसे ही लाइकन लाइकन क्या होता है एलगी और फनजाई का सिम्बैटिक एसोसिएशन है ना तो एलगी और फनजाई जहाँ पर एक साथ रह रही हैं तो वहाँ पर वो रॉक्स uh, बनाने में मदद करेंगी तो लाइकन भी रॉक्स पे ग्रो कर जाती हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट करती हैं जो कि रॉक्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है मतलब रॉक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में मदद करता है ठीक है और जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है ठीक है तो कुछ सब्सटेंसेस भी छोड़ के जो जैसे कि केमिकल वाला हमने तरीका बताया तो केमिकल्स सर्टेन सब्सटेंस कैसे हो गए केमिकल वेज सब्सटेंसेस हो गए है ना तो वो भी आपका जो आपकी रॉक्स हैं उन्हें सॉइल में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे ठीक है और जो हमने बात करी कि छोटे छोटे प्लांट जैसे कि मॉस हैं वो ग्रो करेंगे रॉक्स पे तो वो भी तोड़ेंगे इट मे ऑल्सो हैपन दैट द रूट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज गेट्स इन टू द रॉक सरफेस एंड ब्रेक इट डाउन और वाइडन द क्रैक बात वही होगी ना कि उन्होंने भी बोला कि हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज़ जो हैं जो रॉक की सरफेस में अपनी जड़ें फैलाएं ठीक है उनके जड़ें फैलने की वजह से वो उस रॉक को तोड़ सकते हैं या उसमें जो क्रैक पड़े होंगे होंगे उनको और ज़्यादा चौड़ा कर दें जिसकी वजह से वो रॉक टूट के हमारी सॉइल बना दें ठीक है तो ये चार कारण हो गए जिनसे कि सॉइल बन सकती है आपने क्या क्या पढ़ा सन वाटर विंड और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ठीक है ये सब आपके सॉयल बनने में मदद करते हैं अब अगर हम बात करें कि सॉइल है क्या क्या क्या, क्या चीज़ें उसके अंदर मिलती है तो सॉइल बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है उसमें छोटे छोड़ छोटे रॉक्स भी आपको मिलेंगे अगर आप अपने घर के आसपास वाली मिट्टी को ही खोद के निकालेंगे तो उसमें से भी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं कंकड़ वगैरह होते हैं उसमें और इसके अलावा ह्यूमस ह्यूमस भी मिलता है ह्यूमस क्या होता है आपने कभी मिट्टी खोदी होगी तो उसमें छोटे चुट छोटे से आपको घास के गले हुए टुकड़े लकड़ी के छोटे चुट छोटे गले हुए टुकड़े ठीक है कोई पत्ती सड़ी हुई पत्ती मिलती है ना वो सब क्या है ह्यूमस है बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई आप, कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो अब सड़ रहा है उस मिट्टी में ठीक है उसके अंश जो हैं वो ह्यूमस कहलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मिट्टी के लिए ह्यूमस हमेशा आपकी मिट्टी को फर्टाइल बनाने में मदद करता है ठीक है उपजाऊ बनाता है कैसे क्योंकि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी क्या है सारे न्यूट्रेंट्स भरे पड़े हैं जब वो सड़ रहे हैं तो सड़ के सारे न्यूट्रेंट्स वापस कहाँ आते हैं मिट्टी में ठीक है आपने सुना होगा ना कि हर जो लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी में ही मिल जाता है मिट्टी में मिलने का क्या मतलब है जब वो सड़ेगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कहाँ पे जाएंगे मिट्टी में वापस पहुँच जाएंगे है ना तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी इन्हें हम ह्यूमस कहते हैं ये बहुत फर्टाइल होता है सॉइल के लिए इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही उस मिट्टी में बट हैं बहुत सारे छोट छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अलावा मिनरल्स और न्यूट्रिय सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसकी वजह से मिट्टी उपजाऊ बनेगी ठीक है मिनरल्स रॉक्स वगैरह से आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो आपके ह्यूमस वगैरह हैं उसके जो आपका सड़ रहा है वो उसमें से ही आपके मिल रहे हैं ठीक है थेके? तो ये सब मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब सॉइल बना रहे हैं ओके अब ये जो आपने फैक्टर्स पढ़े ये आपके टाइप ऑफ सॉइल को डिसाइड करते हैं अब अगर आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी होगी तो उसमें आपने सॉइल के टाइप जरूर पढ़े होंगे ब्लैक सॉइल रेड सॉइल कहीं पे अलग अलग टाइप की आपकी एलवियल सॉइल होती है बहुत अलग अलग तरह की साइल मिलती है इंडिया में तो सॉइल्स के बहुत अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी हर जगह पे हर क्रॉप नहीं उगाई जा सकती किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर क्रॉप ही बहुत अच्छी होती है और किसी दूसरी जगह पे वो हो ही नहीं सकती ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि हर क्रॉप को हर फसल को उगने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है क्योंकि हर अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट और मिनरल होता है जो कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को ज़रूरत होती है तो मिट्टी के अकॉर्डिंग ही आपकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं ठीक है ठीके? ऐसा नहीं है कि अगर किसी आ, मिट्टी में बहुत अच्छा आपका चावल हो जाता है ठीक है तो आप कहीं पे भी उसे जाके चावल हर मिट्टी में नहीं उग जाएगा ठीक है किसी कोई मिट्टी ऐसी हो सकती है जिसमें उसको सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा हो रहा है बट दूसरी एक मिट्टी हो सकती है जिसमें उसको बिल्कुल भी अपने जो उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वो उसे नहीं मिलेंगे तो वो वहाँ नहीं उगेगी ठीक है तो सॉइल का टाइप कौन डिसाइड करेगा जो हमने फैक्टर्स पढ़े जैसे कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस कितना ह्यूमस एक सॉइल में प्रेजेंट है जितना ज़्यादा ह्यूमस सॉइल में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो पोरस होगी पोरस मतलब एक पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी आराम से ठीक है और सॉइल डीप रहेगी मतलब आपकी जो जड़ें हैं किसी भी क्रॉप की किसी भी फसल की या पेड़ की वो आराम से फैल सकती हैं ठीक है सख्त सॉइल नहीं होगी एक बहुत अच्छी सॉइल होगी ये ऑलमोस्ट आपकी सबसे अच्छी सॉइल्स में से मानी जाएगी इसके अलावा नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सॉइल में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म का भी बहुत बड़ा हाथ होता है अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये आपकी सॉइल को फर्टाइल बना के रखेंगे फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाएंगे जिसमें अच्छे से अच्छी फसल हो जाएगी आपकी क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये आपकी सॉइल में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह लाने में मदद करते हैं ठीक है जैसे आप बोलो कि न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अब कोई जो आपका जैसे मान लिया ऊपर एक पेड़ उगा था उसमें से पत्तियाँ गिर रही हैं झड़ रही हैं अब वो सड़ेंगी कैसे डिक्के कैसे होंगी उन्हीं में से न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना सड़ेंगी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो काम करेंगे उन पर है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सड़ाएंगे तो उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी साइल के लिए आपकी साइल को फर्टाइल बनाए रखने के लिए इसके अलावा पेरेंट रॉक कौन सी रॉक से मिट्टी बनी है वो क्योंकि रॉक के अंदर अगर मिनरल्स होंगे तभी तो सॉइल में मिनरल्स आएंगे तो कौन सी रॉक से कौन सी पेरेंट रॉक से सॉइल बनी है वो डिसाइड करेगा कि मिनरल कौन से हैं उसके अंदर ठीक है किसी में हमें बहुत ज़्यादा आयरन चाहिए किसी मिट्टी में तो वो किस पर्टिकुलर पेरेंट रॉक होनी चाहिए ना उसके लिए ठीक है तो ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड करेंगी आपकी कौन सी तरह की सॉइल होने वाली है ठीक है तो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो डिसाइड विश काइंड ऑफ प्लांट विल ग्रो इन दैट सॉइल ऑब्वियसली कि आपकी मैंने आपको बताया ना कौन सी टाइप की सॉइल होगी इसी के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा तरह का प्लांट वहाँ उगाना है ऐसे ही नहीं कि कोई सी भी सॉइल देखी उगाने लग गए कुछ भी ऐसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी आपको हो सकता है वो उगी ना पाए जैसे कि आपने आपको पता होगा जो चावल हैं ठीक है वो एक पर्टिकुलर जगहों पर ही उगते हैं हर जगह पे कहीं पे भी आप उगा नहीं बैठ जाएंगे चाय पत्ती है ठीक है सेब हैं संतरे हैं ये एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं हर जगह आपको नहीं मिल जाएंगे पेड़ इनके है ना तो यही आपके कारण है जिनसे जो ये सॉइल्स आपकी डिसाइड करेगी किस तरह का प्लांट उगना है यहाँ पर ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस हमने पढ़ लिया है कि सॉइल क्या है कैसे बनती है क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं उसे बनाने में क्या क्या सॉइल के अंदर होता है और वो कैसे सॉइल के टाइप डिसाइड करते हैं राइट इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द सॉयल पॉल्यूशन ओके थैंक यू